हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम सम ऑफ इवन एंड प्रोडक्ट ऑफ ओड का प्रोग्राम करेंगे एरे के थ्रू। तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक एरे बनाना होगा, जो कि हमने एक ए नाम का हमने एरे बनाया है और उसकी साइज 10 डिक्लेयर करी है कि हम इसके अंदर 10 एलिमेंट इनपुट कराएंगे। एक आई नाम का वेरिएबल ले रहे हैं लूप चलाने के लिए, और एक हमको क्या करना है, इवन फाइंड करना है, सॉरी सम फाइंड करना है। तो सम इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है तो प्रोडक्ट को ले लिया वन, प्रोडक्ट को हमने इनिशियलाइज किया वन से, ठीक है। अब हमको यहाँ पे हम लूप चलाएंगे, तो फोर लूप का यूज कर लेते हैं, और हमने जो कि इंट डेटा टाइप, मतलब इंट डेटा टाइप के अंदर आई नाम का वेरिएबल जो डिक्लेयर किया वो लूप ने किया है, ठीक है। आई लेस देन एन है और आई क्या प्लस प्लस। अब हम लूप का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक से ज्यादा एलिमेंट्स इनपुट करवाने हैं, तो हम लूप का ही यूज करके ही कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और हम मैसेज पास कर देंगे कि एंटर नंबर, ठीक है, ये मैसेज पास कर दिया। अब इसी के अंदर हम स्कैनर फंक्शन का यूज करके और वैल्यूज जो है वो इनपुट में लेंगे यूजर से, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके उसकी उसको हमने एरे को यहाँ स्टोर करवाया है। यहाँ पे हमने अभी तक ओनली फॉर यूजर से इनपुट लिया है। अब जो हमने यूजर से इनपुट लिया है उसको हम वापस एरे के अंदर प्रिंट करवाना चाहेंगे, तो उसके लिए हमको वापस फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा, जो कि सेम चलेगा, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस सेम चलेगा जो ऊपर चला है। अब इसी के अंदर हम लॉजिक पार्ट लगाएंगे हमारा, जो कि हम सम प्रिंट करवाना चाहते हैं और प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं इवन और ओड का, ठीक है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जो कि हम इवन नंबर फाइंड करने के लिए जो कंडीशन लगाते हैं वो हम यह लगाएंगे कि ओ ए ऑफ आई जो है वो परसेंट टू, इसके अंदर नहीं बाहर आएगा ये, परसेंट टू इक्वल इक्वल जीरो। अगर हमारा ए ऑफ आई के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो टू से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो सम इक्वल सम प्लस ए ऑफ आई, उसके अंदर हमारा सम के अंदर ए ऑफ आई जो है वो एड हो जाना चाहिए, अगर वो डिवाइड पूरा पूरा होता है तो, ठीक है, ये दे दिया। अब एल्स पार्ट के अंदर हम इसमें डालेंगे, अगर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो प्रोडक्ट भी, प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर प्रोडक्ट इक्वल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ए ऑफ आई, ठीक है, ए ऑफ आई ले लेंगे यहाँ पे हम। अब आप सोच रहे हो कि हमने इफ और एल्स स्टेटमेंट के बीच में ब्रैसेस का यूज क्यों नहीं किया है, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमको इफ स्टेटमेंट में लिखा स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, मतलब कि इवन भी, इवन का सम भी प्रिंट होना चाहिए, प्रोडक्ट भी प्रिंट होना चाहिए, दोनों काम करने हैं, तो हमको ब्रैसेस यूज नहीं करेंगे। ब्रैसेस का यूज हम जब करते हैं जब हमको एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है, तो वो कंपाइलर जो होता है वो वहीं रुक जाता है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। और फिर यहाँ पे हम इसको यहाँ क्लोज कर देंगे, ठीक है, यहाँ इसको हमने क्लोज किया। अब लूप जो है उसके बाहर हम प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको वन टाइम ही प्रिंट करवाना है सम ऑफ इवन एंड ओड। तो यहाँ मैसेज दे दो सम ऑफ इवन इक्वल परसेंट डी एंड प्रोडक्ट ऑफ ओड, प्रोडक्ट ऑफ ओड इक्वल परसेंट डी, हमको दोनों प्रिंट करवाने हैं इसलिए हमने दोनों का यूज किया है। अब हम सम को प्रिंट स्टोर करवा रहे हैं यहाँ पे और प्रोडक्ट को स्टोर करवा रहे हैं ताकि हमारे दोनों प्रिंट हो जाएं। अब यहाँ पे गेट सीएस फंक्शन का यूज कर रहे हैं और यही हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, एरर क्या आई है, यहाँ पे सेमी कॉलन मिस कर दिया था अपन ने, तो वापस एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट हो चुका है, पूछा एंटर नंबर, तो हम यहाँ पे रैंडम कोई सा भी नंबर इनपुट कर देंगे, तो हमको ये बताएगा सम ऑफ इवन एंड प्रोडक्ट ऑफ ओड। तो सम ऑफ इवन इसमें 28 एंड प्रोडक्ट ऑफ ओड जो है वो इसमें, ये इसमें प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके बता रहा है, जो हो रहा है 315। तो इस तरह से हम सम ऑफ इवन एंड प्रोडक्ट ऑफ ओड का प्रोग्राम कर सकते हैं एरे के थ्रू।